संत शिरोमणि मीराबाई की जन्म स्थली पाली जिले के कुड़की गांव में मौजूद ऐतिहासिक किला आज जर्जर हालत में है। पर्यटन और पुरातत्व विभाग यदि इस स्थल के विकास कार्यों पर ध्यान दे तो इसे एक आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। पेश है हमारे पाली संवाददाता की एक रिपोर्ट। दुनिया भर में कृष्ण भक्त के रूप में विख्यात संत मीराबाई की जब भी चर्चा होती है तो लोग उनके भजन, उनका त्याग और उनकी भक्ति का स्मरण करते हैं। अक्सर मीराबाई का जिक्र होने पर मेड़ता या फिर मेवाड़ की चर्चा होती है, लेकिन मीराबाई की जन्मस्थली पाली जिले में मौजूद कुड़की गांव के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। अन्य ऐतिहासिक स्थलों की तरह मीराबाई का जन्म स्थल भी एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए था, मगर हालात यह है कि मीराबाई की जन्मस्थली वक्त के साथ जर्जर होती जा रही है। 1498 ईस्वी में इसी किले में राव रतन सिंह के घर जन्मी मीराबाई का बचपन इसी किले में बीता था, जहां उन्होंने किले के भीतर अभी तक मौजूद कृष्ण मंदिर में भक्ति की थी। वो बाल्यकाल से भक्ति में के प्रति बहुत ही आस्था रखती थी और रतन सिंह जी ने उनकी आस्था को देख करके, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं मीराबाई का, यहाँ इन्होंने मंदिर स्थापित कराया और 12 साल तक मीराबाई ने यहीं भक्ति की और उसके बाद मीराबाई 12 साल बाद मेड़ता चले गए। राव रतन सिंह जी राणा सांगा के समय मेवाड़ के सेनापति थे और वहाँ पर ही वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर अकेले होने के कारण उनके माताजी वीर कुमारी के साथ, तो फिर राव दुदा जी ने मीरा यहाँ आकर के मीराबाई को यहाँ से मेड़ता ले गए और उसके बाद सारा लालन पालन मीराबाई का मेड़ता ही हुआ और मेड़ता के बाद वहाँ शादी होने के बाद मीराबाई चित्तौड़ चले गए। अभी जो मंदिर है इसका सारी पूजा पाठ यहाँ जो पुष्पेंद्र सिंह जी है, हम लोगों का जो परिवार है वही करते हैं। कुड़की गांव में मौजूद इस प्राचीन महल की हालात बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि यह महल फिलहाल राव रतन सिंह के वंशजों की निजी संपत्ति है, लेकिन महल के एक भाग में मीरा का पुराना महल और एक कृष्ण मंदिर आज भी मौजूद है। ये महल और मंदिर महज पत्थर और कंकर के नहीं बने हैं, इनमें संत मीराबाई के बचपन और उनकी भक्ति की आध्यात्मिक तरंगे अभी भी मौजूद हैं, जिनका पुनरुद्धार करने की जरूरत है। अब हम क्या रोड़ों से जुड़ना चाहते हैं, अभी हम बिल्कुल इंटीरियर में हैं, तो अभी हमारे नए MLA बने हैं अविनाश जी गहलोत और नए MP साहब दिया कुमारी जी जयपुर प्रिंस, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, अब प्रयास कर रहे हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी कुड़की के अंदर रोड बने, तो रोड बनने से यहाँ बाहर के लोग आएंगे और मीराबाई के दर्शन लाभ भी होंगे और गांव का डेवलपमेंट भी होगा। और रोड को ये गांव को फ़ायदा नहीं करेगी, रोड कई गाँव में फ़ायदा करेगी। करीब ये पुष्कर से लामिया रोड जुड़ेगी तो 8-9 पंचायत आती है इसमें, तो ये हम तो यही ज़्यादा सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि रोड पहले बने इस गाँव में और डेवलपमेंट धीरे धीरे सब हो जाएगा, और पहला डेवलपमेंट रोड से ही होता है। फिर क्या कारण है कि मीरा की इस ऐतिहासिक जन्मस्थली को आज भी वह पहचान नहीं मिली है जिसकी वह हकदार है? बड़ी वजह यह है कि इस स्थान पर न तो पर्यटन विभाग और न ही पुरातत्व विभाग का ध्यान गया है। फिर यह स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग से कटा होने के कारण पर्यटन भी यहाँ से कटा हुआ है, जिससे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए पर अभी बहुत कमी है। हमारे पहले गाँव के श्रीमान ठाकुर साहब पुष्पेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था डेवलपमेंट के लिए, फिर सत्ता चेंज होने के कारण और कई कारण के भी समस्या है, इसलिए गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इतना बड़ा आज मीराबाई का नाम है और बाहर से भी लोग बहुत आते हैं, यहाँ दूर दूर से यहाँ दर्शन करने लिए आते हैं, पर रोड नहीं होने के कारण वो बीच में ही सड़कों के कारण बीच में परेशानी होती है, बीच में से वो लौट जाते हैं। यहाँ राव रतन सिंह के वंशज कहते हैं कि पर्यटन विभाग कई हवेलियों, तालाबों और पुराने भवनों के पुनरुद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए की धनराशि जारी करता है, लेकिन मीराबाई के इस ऐतिहासिक जन्म स्थल पर अभी तक उनका ध्यान नहीं गया है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सरकार सिर्फ लांबिया से पुष्कर तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जोड़ दे तो अभी पर्यटक यहां आने लगेंगे। ग्राम कुड़की मीराबाई की जन्मस्थली है, जो मीरा को पूरा विश्व विख्यात है और उस गाँव में सड़कों के चारों तरफ से जुड़ा हुआ नहीं है और यहाँ पनोरमा भी बनना चाहिए और चारों तरफ से अगर ये गांव सड़कों से जुड़ जाए तो यहाँ जरूर पर्यटक आएंगे। हालांकि राजसमंद से वर्तमान सांसद दिया कुमारी इस स्थल के पुनरुद्धार में जरूर दिलचस्पी दिखा रही हैं, उम्मीद है वे इसमें सफल होंगी और मीराबाई का यह जन्म स्थान फिर से गुलजार हो उठेगा।